पिछले कल जिस्मानी सदन में जब हमने वॉकआउट किया, वॉकआउट के दौरान पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, उप मुख्यमंत्री जी ने भी, और इस प्रकार से बात कही गई कि नशे के व्यापारियों के बारे में इस माननीय सदन में चर्चा करना यह अवमानना का। हम नशे के विषय को लेकर के चर्चा व्यापारियों नशे के व्यापारियों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए इस सदन में नियम शासित के अंतर्गत नहीं दिए थे, हमने कानून व्यवस्था पर। और बार बार इस बात को लेकर के मैंने अपनी बात पर कहा था कि कानून कार्रवाई करने के लिए है, यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो आरोपी है चाहे नहीं है, कि उनको सड़क पर चौक पर चौराहे पर पीट पीट करके उनकी हत्या कर दे। क्या कानून, आप तो कानूनविद हैं, आप लॉयर हैं, क्या कानून इस बात की इजाजत देता है? और हिमाचल के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है कि पीट पीट करके मार दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो बार बार खासतौर से कुछ मीडिया में भी वो जो है वो इस तरह से कवर करने की बात आई है, उसमें जो मुख्यमंत्री का वक्तव्य, उप मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य जिसका जिक्र आया है, मैं इस बात को लेकर के स्पष्ट करना चाहता हूं कि नशे के खिलाफ हमारी कमिटमेंट है और उसके लिए जो भी लड़ाई सरकार भी लड़ती है उसमें भी हम सहयोग देने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। थैंक यू। कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा विषय इतना था। और इसलिए इस विषय को गलत तरीके से इस माननीय सदन में प्रस्तुत करने के लिए जो जिम्मेवार लोगों ने, जो जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको सदन की कार्यवाही से हटाना चाहिए। चलिए प्लीज माननीय सदस्य श्री जयराम ठाकुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल इस माननीय सदन में जब हमने वॉकआउट किया, वॉकआउट के दौरान पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, उप मुख्यमंत्री जी ने भी, और इस प्रकार से बात कही गई कि नशे के व्यापारियों के बारे में इस माननीय सदन में चर्चा करना यह अवमानना का। हम नशे के विषय को लेकर के चर्चा व्यापारियों नशे के व्यापारियों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए इस सदन में नियम शासित के अंतर्गत नहीं दिए थे, हमने कानून व्यवस्था पर। और बार बार इस बात को लेकर के मैंने अपनी बात पर कहा था कि कानून कार्रवाई करने के लिए है, यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो आरोपी है चाहे नहीं है, कि उनको सड़क पर चौक पर चौराहे पर पीट पीट करके उनकी हत्या कर दे। क्या कानून, आप तो कानूनविद हैं, आप लॉयर हैं, क्या कानून इस बात की इजाजत देता है? और हिमाचल के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है कि पीट पीट करके मार दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो बार बार खासतौर से कुछ मीडिया में भी वो जो है वो इस तरह से कवर करने की बात आई है, उसमें जो मुख्यमंत्री का वक्तव्य, उप मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य जिसका जिक्र आया है, मैं इस बात को लेकर के स्पष्ट करना चाहता हूं कि नशे के खिलाफ हमारी कमिटमेंट है और उसके लिए जो भी लड़ाई सरकार भी लड़ती है उसमें भी हम सहयोग देने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा विषय इतना था। और इसलिए इस विषय को गलत तरीके से इस माननीय सदन में प्रस्तुत करने के लिए जो जिम्मेवार लोगों ने, जो जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको सदन की कार्यवाही से हटाना चाहिए। चलिए प्लीज माननीय सदस्य श्री जयराम ठाकुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल इस माननीय सदन में जब हमने वॉकआउट किया, वॉकआउट के दौरान पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, उप मुख्यमंत्री जी ने भी, और इस प्रकार से बात कही गई कि नशे के व्यापारियों के बारे में इस माननीय सदन में चर्चा करना यह अवमानना का। हम नशे के विषय को लेकर के चर्चा व्यापारियों नशे के व्यापारियों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए इस सदन में नियम शासित के अंतर्गत नहीं दिए थे, हमने कानून व्यवस्था पर। और बार बार इस बात को लेकर के मैंने अपनी बात पर कहा था कि कानून कार्रवाई करने के लिए है,
ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो आरोपी है तो नहीं है, कि उनको सड़क पर, चौक पर, चौराहे पर पीट पीट करके उनकी हत्या कर दें। क्या कानून, आप तो कानूनविद हैं, आप लॉयर हैं, क्या कानून इस बात की इजाजत देता है? और हिमाचल के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है कि पीट पीट करके मार दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो बार बार खासतौर से कुछ मीडिया में भी वो जो है वो इस तरह से कवर करने की बात आई है, उसमें जो मुख्यमंत्री का वक्तव्य, उप मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य जिसका जिक्र आया है, मैं इस बात को लेकर के स्पष्ट करना चाहता हूं कि नशे के खिलाफ हमारी कमिटमेंट है और उसके लिए जो भी लड़ाई सरकार भी लड़ती है उसमें भी हम सहयोग देने के लिए सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। थैंक यू। कानून के मुताबिक कार्यवाही होनी चाहिए। हमारा विषय इतना था और इसलिए इस विषय को गलत तरीके से माननीय सदन में प्रस्तुत करने के लिए जो जिम्मेवार लोगों ने, जो जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको सदन की कार्यवाही से हटाना चाहिए। चलिए प्लीज माननीय सदस्य श्री जयराम ठाकुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल इस माननीय सदन में जब हमने वॉकआउट किया, वॉकआउट के दौरान पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, उप मुख्यमंत्री जी ने भी, और इस प्रकार से बात कही गई कि नशे के व्यापारियों के बारे में इस माननीय सदन में चर्चा करना यह अवमानना का। हम नशे के विषय को लेकर के चर्चा, व्यापारियों, नशे के व्यापारियों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए इस सदन में नियम शासन के अंतर्गत नहीं दिए थे, हमने कानून व्यवस्था पर। और बार बार इस बात को लेकर के मैंने अपनी बात पर कहा था कि कानून कार्यवाही करने के लिए है, ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो आरोपी है चाहे नहीं है, कि उनको सड़क पर, चौक पर, चौराहे पर पीट पीट करके उनकी हत्या कर दें। क्या कानून, आप तो कानूनविद हैं, आप लॉयर हैं, क्या कानून इस बात की इजाजत देता है? और हिमाचल के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है कि पीट पीट करके मार दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो बार बार खासतौर से कुछ मीडिया में भी वो जो है वो इस तरह से कवर करने की बात आई है, उसमें जो मुख्यमंत्री का वक्तव्य, उप मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य जिसका जिक्र आया है, मैं इस बात को लेकर के स्पष्ट करना चाहता हूं कि नशे के खिलाफ हमारी कमिटमेंट है और उसके लिए जो भी लड़ाई सरकार भी लड़ती है उसमें भी हम सहयोग देने के लिए सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। कानून के मुताबिक कार्यवाही होनी चाहिए। हमारा विषय इतना था और इसलिए इस विषय को गलत तरीके से माननीय सदन में प्रस्तुत करने के लिए जो जिम्मेवार लोगों ने, जो जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको सदन की कार्यवाही से हटाना चाहिए। चलिए प्लीज माननीय सदस्य श्री जयराम ठाकुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल इस माननीय सदन में जब हमने वॉकआउट किया, वॉकआउट के दौरान पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, उप मुख्यमंत्री जी ने भी, और इस प्रकार से बात कही गई कि नशे के व्यापारियों के बारे में इस माननीय सदन में चर्चा करना यह अवमानना का। हम नशे के विषय को लेकर के चर्चा, व्यापारियों, नशे के व्यापारियों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए इस सदन में नियम शासन के अंतर्गत नहीं दिए थे, हमने कानून व्यवस्था पर। और बार बार इस बात को लेकर के मैंने अपनी बात पर कहा था कि कानून कार्यवाही करने के लिए है, ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो आरोपी है चाहे नहीं है, कि उनको सड़क पर, चौक पर, चौराहे पर पीट पीट करके उनकी हत्या कर दें। क्या कानून, आप तो कानूनविद हैं, आप लॉयर हैं, क्या कानून इस बात की इजाजत देता है? और हिमाचल के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है कि पीट पीट करके मार दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो बार बार खासतौर से कुछ मीडिया में भी वो जो है वो इस तरह से कवर करने की बात आई है, उसमें जो मुख्यमंत्री का वक्तव्य, उप मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य जिसका जिक्र आया है, मैं इस बात को लेकर के स्पष्ट करना चाहता हूं कि नशे के खिलाफ हमारी कमिटमेंट है
और उसके लिए जो भी लड़ाई सरकार भी लड़ती है उसमें भी हम सहयोग देने के लिए सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। थैंक यू। कानून के मुताबिक कार्यवाही होनी चाहिए। हमारा विषय इतना था और इसलिए इस विषय को गलत तरीके से माननीय सदन में प्रस्तुत करने के लिए जो जिम्मेवार लोगों ने, जो जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको सदन की कार्यवाही से हटाना चाहिए। चलिए प्लीज माननीय सदस्य जयराम ठाकुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल इस माननीय सदन में जब हमने वॉकआउट किया, वॉकआउट के दौरान पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, उप मुख्यमंत्री जी ने भी, और इस प्रकार से बात कही गई कि नशे के व्यापारियों के बारे में इस माननीय सदन में चर्चा करना यह अवमानना का। हम नशे के विषय को लेकर के चर्चा, व्यापारियों नशे के व्यापारियों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए इस सदन में नियम शासन के अंतर्गत नहीं दिए थे, हमने कानून व्यवस्था पर। और बार बार इस बात को लेकर के मैंने अपनी बात पर कहा था कि कानून कार्यवाही करने के लिए है, यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो आरोपी है चाहे नहीं है, कि उनको सड़क पर, चौक पर, चौराहे पर पीट पीट करके उनकी हत्या कर दे। क्या कानून, आप तो कानूनविद हैं, आप लॉयर हैं, क्या कानून इस बात की इजाजत देता है? और हिमाचल के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है कि पीट पीट करके मार दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो बार बार खासतौर से कुछ मीडिया में भी वो जो है वो इस तरह से कवर करने की बात आई है, उसमें जो मुख्यमंत्री का वक्तव्य, उप मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य जिसका जिक्र आया है, मैं इस बात को लेकर के स्पष्ट करना चाहता हूं कि नशे के खिलाफ हमारी कमिटमेंट है और उसके लिए जो भी लड़ाई सरकार भी लड़ती है उसमें भी हम सहयोग देने के लिए सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। थैंक यू। कानून के मुताबिक कार्यवाही होनी चाहिए। हमारा विषय इतना था और इसलिए इस विषय को गलत तरीके से माननीय सदन में प्रस्तुत करने के लिए जो जिम्मेवार लोगों ने, जो जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको सदन की कार्यवाही से हटाना चाहिए। चलिए प्लीज माननीय सदस्य जयराम ठाकुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल इस माननीय सदन में जब हमने वॉकआउट किया, वॉकआउट के दौरान पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, उप मुख्यमंत्री जी ने भी, और इस प्रकार से बात कही गई कि नशे के व्यापारियों के बारे में इस माननीय सदन में चर्चा करना यह अवमानना का। हम नशे के विषय को लेकर के चर्चा, व्यापारियों नशे के व्यापारियों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए इस सदन में नियम शासन के अंतर्गत नहीं दिए थे, हमने कानून व्यवस्था पर। और बार बार इस बात को लेकर के मैंने अपनी बात पर कहा था कि कानून कार्यवाही करने के लिए है, यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो आरोपी है चाहे नहीं है, कि उनको सड़क पर, चौक पर, चौराहे पर पीट पीट करके उनकी हत्या कर दे। क्या कानून, आप तो कानूनविद हैं, आप लॉयर हैं, क्या कानून इस बात की इजाजत देता है? और हिमाचल के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है कि पीट पीट करके मार दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो बार बार खासतौर से कुछ मीडिया में भी वो जो है वो इस तरह से कवर करने की बात आई है, उसमें जो मुख्यमंत्री का वक्तव्य, उप मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य जिसका जिक्र आया है, मैं इस बात को लेकर के स्पष्ट करना चाहता हूं कि नशे के खिलाफ हमारी कमिटमेंट है और उसके लिए जो भी लड़ाई सरकार भी लड़ती है उसमें भी हम सहयोग देने के लिए सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। कानून के मुताबिक कार्यवाही होनी चाहिए। हमारा विषय इतना था और इसलिए इस विषय को गलत तरीके से माननीय सदन में प्रस्तुत करने के लिए जो जिम्मेवार लोगों ने, जो जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको सदन की कार्यवाही से हटाना।